चलो कैंपिंग के लिए चले। आजकल बहुत गर्मी है, क्योंकि गर्मियों का मौसम ही है, और इसीलिए हम मजे करते हैं ये टेस्टी चीज खाकर। और भी ज्यादा मजे करने के लिए हम जा रहे हैं अब कैंपिंग करने। ये कोई चैंपियनशिप नहीं, हम जा रहे हैं कैंपिंग। क्या हम कुछ भूल तो नहीं रहे? टेंट, स्लीपिंग बैग और खाने का सामान सब ले लिया। जल्दी चलिए डैड, मुझे इंतजार नहीं होता। तुमने ठीक कहा बेटा, कैंप वाली जगह पर सनसेट से पहले ही पहुंचना है। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और बताइए इस डॉगी का क्या होगा? ये शीरो है, मैं इसको तो भूल ही गई। शुक्रिया डैड। अरे दादाजी और दादी जी, वैसे तुमने बड़ी देर बाद हमें देखा, पर आप लोग ऐसे अचानक से कैसे आ गए? वो गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसलिए तुमसे मिलने आ गए। हमने मेल भी भेजा था, लो ये देखो। क्या मुझे ये मेल मिला भी था? क्या तुमने एड्रेस गलत तो नहीं लिख दिया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, मेल आईडी बिल्कुल सही है। तो फिर वो पहुंचा क्यों नहीं? जरा गौर से देखो, ये मैसेज भेजा ही नहीं है। माफ कीजिएगा। बात असल में ये है कि हम लोग अभी कैंपिंग के लिए जा रहे थे। क्या कैंपिंग के लिए? मिस्टर नोहारा, ये पार्सल आपके लिए आया है। अरे वाह, क्या टाइमिंग है! हमने अपने गांव से तुम्हारे लिए फल और सब्जियां भेजी थी। इसमें क्या है? वाह, हमारा बाबूजी और भी बढ़िया बन जाएगा। आप साइन करके पार्सल ले लीजिए। देखिए, आप जरा गलत वक्त पर आ गए। इस वक्त हम जरा कैंपिंग के लिए निकल रहे हैं, इसलिए ये नहीं ले सकते हैं। आप इसे अभी वापस ले जाइए। क्या कहा आपने? लेकिन क्यों? सही बात तो है, हमारी ही गलती है कि हम एकदम से यहाँ पर आ गए। ऐसे मत कहिए, गर्मियों का मौसम है पर हमें ठंड क्यों लग रही है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी गलती की वजह से हमारा मेल हैरी को नहीं मिल पाया। प्लीज साइन कर दीजिए। अरे बंद कीजिए आप लोग ये सब। हमेशा कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जाना चाहिए। बात करने के चक्कर में मेरे ख्याल से हम लोगों को निकलने में काफी देर हो गई है। शिनचैन बेटा, चलो तुम मेरे साथ एक गाना गाओ। आप चुप हो जाइए, शिनचैन मेरे साथ AKB का गाना गाएगा। हाँ, मुझे वो गाने पसंद नहीं। इतना शोर मचा दिया है। अरे आगे थोड़ा रोक के चलना, ठीक है? मैंने सुना है यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। अरे नहीं, पहले ही हम बहुत देर से निकले हैं, अब कहीं नहीं रुक सकते रास्ते में। क्या? कोई बात नहीं, डैड और मॉम वहाँ जाना चाहते हैं तो उन्हें ले चलते हैं। मैं भी सोच रही थी कि उन्हें अच्छा लगेगा, और यही सही है। लगता है जाना तुम चाहती हो। क्या वहाँ पर सेल पे कपड़े मिलेंगे? अपनी बकवास बंद करो शिनचैन। अब क्या करेंगे? चलो वहाँ चल के देखते हैं। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। शिनचैन बताओ तुम क्या खाओगे? अरे शिनचैन कहाँ चला गया? वो देखो वहाँ। अरे शिनचैन बेटा, तुम यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग कितने नासमझ हैं। ये लोग तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। वैसे यहाँ सामान बहुत अच्छा मिलता है। हाँ शिरो, तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, ये तुम्हारे लिए हॉट डॉग है। कितनी देर से टॉयलेट की लाइन में लगे रहे हम, और इसी वजह से हम कुछ खा भी नहीं पाए। मेरे पेट को बहुत जोरों से भूख लग रही है। अभी तो खाया था, कितनी भूख लगती है तुम्हें? मम, जब मुझे भूख लगती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ खाना होता है। थोड़ी देर के बाद रुक जाएंगे। अरे हमें पहले ही देर हो गई है, अब इसके बाद कहीं रुकना ठीक नहीं है, जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलते हैं। रेडी स्टार्ट गो। चलो कुछ खेलते हैं। मैं हिमावारी के साथ खेलूंगी। मम, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम जाना था तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, लेकिन मैं पहले आपको कैसे बता सकता हूँ? गाड़ी में बैठने के बाद मुझे भी टॉयलेट की परेशानी सी हो जाती है। सफर में ऐसा होता है। सही कहे। अब हम सिर्फ थोड़ी देर ही रुक सकते हैं, पहले ही देर हो गई थी, अब तो और देर हो जाएगी। यहाँ तो बस पेड़ ही पेड़ है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। ऐसा नहीं हो सकता, हम हाईवे से हट के माउंटेन रोड पर आ गए हैं। हम काफी देर से एक ही जगह पर घूम रहे हैं ना? फिक्र मत कीजिए, जल्दी पहुँच जाएंगे हम।
लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। क्या हुआ हैरी? मुझे तो लग रहा था कि हम बस अब पहुंचने ही वाले हैं। क्या कर रहे हो हैरी तुम, हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। अरे हमें इतनी ज्यादा देर हुई है, इसमें आप सब लोगों की गलती है। अरे नहीं हैरी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। खड़े क्यों हो, जल्दी से जाओ और रास्ते का पता लगाओ। मैं जरा उस तरफ देख के आता हूँ। अरे तुमने क्या ये बैर देखा? ये भालू कितना प्यारा है। बैर आ रहा है, आराम से चलिए। वैसे ये भालू यहाँ ज्यादा दिखाई नहीं देते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें सोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये तो मैं हूँ। आपने हमें डरा दिया। तो बस छुपन छुपाई खेल रही थी। बिना मतलब यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं यहाँ बिना मतलब के नहीं घूम रहा हूँ। वो वहाँ देखो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन पहाड़ों में मुझे ऐसा बोर्ड भी देखने को मिलेगा जैसा ये है। क्या ये टीवी है दादाजी? नहीं ये कोई टीवी नहीं है। ब्यूटीफुल। पर ये है क्या? हाँ? ये कौन सी जगह है? अरे वाह, यही है हमारी कैंप साइट। हाँ? ये मेरा ही कमाल है। देखा मेरे होने का तुम्हें कितना फायदा हो रहा है। सच में ये तो बस इत्तेफाक से हो गया। आ जाओ पीछे। वैसे तो ये शहर से दूर है पर यहाँ कितनी भीड़ है। सही कहा, कभी कभी हम लोगों को प्रकृति का भी मजा लेना चाहिए। प्रकृति से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। नजारा अच्छा है, मौसम भी कमाल है, क्यों शिनचैन? सही कहा डैड, ये मौसम सच में अच्छा है। पर तुम ये घर क्या रहे हो? अरे अच्छी मौसम में टेस्टी खाना खाने का मजा ही सबसे अच्छा होता है। ये है हमारे टेंट की जगह। अब हम यहाँ बारबेक्यू की तैयारियाँ करेंगे। पास ही में एक नदी दिख रही है, इसे धो कर लाती हूँ। मैं जाता हूँ। संभल कर जाना। ठंडा पानी अच्छा है ना? क्या तुम इस जंगल में रास्ता भटक गए? बिल्कुल नहीं है। ठंडा होने के बाद वाटरमेलन का टेस्ट बढ़ जाएगा। मैं इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ खाने वाला हूँ। क्या ये तुम मुझे दे सकते हो? ये मेरी फैमिली के लिए है, नहीं दे सकता। इतना मत सोचो। वैसे मैं ज्यादा सोचता नहीं। शिनचैन। दादी जी वहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी इधर आओ। अभी आयो। अरे अरे शिनचैन बेटा, टेंट लगाने में जरा मदद करो हमारी। ठीक है। पहले इस बार को टेंट होल पर लगाओ इस तरह से। अरे आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो टेंट लगाना आता ही नहीं है। मुझे भी नहीं आता। मैं फ्री हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फिक्र मत करो, टेंट लगाने का काम मैं करूँगा। अरे रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ करना क्या है। देखो तुम वापस चले जाओ। मेरा नाम शिनचैन है और ये मेरे डैड हैं। ये बहुत अच्छा टेंट बनाते हैं दीदी। क्या आपको शिमला मिर्च और आलू की सब्जी पसंद है? मेरी मम वो रोज बनाती है। अब अपना टेंट भी ठीक से लगा देना, समझे? अच्छा क्या हम स्वादिष्ट खाना खाएंगे? हाँ खड़ी बन रही है। खाना बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। चावल की वजह से इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? बताओ क्या करना है मुझे। मैं भी करूंगा। ठीक है तो आप लोग लकड़ी ले आइए। अरे नहीं डैड, ये तो बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे कुछ और काम दीजिए प्लीज। देखो हैरी, इस काम के बाद मुझे कुछ और काम मत बोलना। क्या करना चाहते हो तुम शिनचैन?
लकड़ियाँ चुनने का काम बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ। चलो खाते हैं। मेहनत के बाद खाना खाने में मजा ही कुछ और आता है। लेकिन तुमने तो कोई काम नहीं किया है। बाहर कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और होता है। अगर शिमला मिर्च की जगह पनीर टिक्का होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हिमावरी, क्या तुम शिमला मिर्च खाओगी? शिनचान, तुम अपनी बकबक बंद करो और खाने पे ध्यान दो। वैसे खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। कैंपिंग करने में वाकई बहुत मजा आता है। सुनिए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं नदी में खेलने जा सकता हूँ? बोलिए। बार बार नदी पर क्यों जाना है? मैं तो बस नदी में छपक छुपक करने जाना चाहता हूँ। हैरी भी बचपन में नदी पर जाता था। एक दिन वो रोता हुआ वापस आया, कह रहा था कप्पा ने मेरा पैर पकड़ लिया। उसके बाद वो कई दिनों तक नदी पर नहीं गया। क्या कहा, सच में? अरे आप भी क्या बताने लग गए डैड, कप्पा जैसा असल में कुछ नहीं होता है। कप्पा! अरे क्या बात है डैड, तुम क्या कर रहे हो शिनचान? देखो तुम ये ले लो खीरा। लेकिन क्यों? लगता है कप्पा को खीरा बहुत पसंद है। चलिए मैं आप लोगों की बात मानकर ऐसे ही करूंगा। अरे हाँ, ये देखो, मैं नदी किनारे से फल और सब्जियाँ लाना तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, मैं जाकर ले आता हूँ। अरे रुकिए दादाजी, ये खीरे वाली फिशिंग रॉड भी अपने साथ ले जाइए। ये कैसी आवाज़? ये तो उनकी आवाज़ है। कप्पा तो नहीं है? शिनचान, क्या हुआ शिनचान? कप्पा अचानक से आ गया। डरिए मत डैड, मैं ठीक हूँ। देखो मुझे पानी के अंदर से क्या मिला है। चलो माफ कीजिएगा। आपकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। गलत सोच रही हो मिर्ची, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ, सब्जी और वाटरमेलन लेकर आए। चलो देखते हैं मैंने उसे कहाँ रखा था। किसने मेरी टांग पकड़ी? ये तो बहुत ही हल्का है। अरे तुम? हाँ मैंने पकड़ लिया। मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं। प्लीज क्या तुम मुझे नीचे रख दोगी? हाँ। आराम से भी नीचे रख सकती थी। ओहो, तुम कितनी कंप्लेन करते हो। अरे अरे नहीं, मिस वाटरमेलन कहाँ जा रही है आप? प्लीज रुक जाइए।